बच्चों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे चैनल या राहुल गुप्ता डीएनए क्लासेस में। और बच्चों, एसिड बेस एंड सॉल्ट है ना, क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 है ये। और आज हम लोग थर्ड लेक्चर के बारे में बात करेंगे, है ना। आज के लेक्चर में जो बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इंडिकेटर के बारे में, है ना। इससे पहले हम लोग एसिड के बारे में सेपरेट पढ़े हैं, बेस के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन देखे है ना, और बेस के सोर्सेस क्या क्या हैं, जो हमारे आसपास की जो हमारी जीवन शैली है उस जीवन शैली में हम कौन कौन से बेसिस यूज करते हैं, कौन कौन से एसिड यूज करते हैं, ये सब देखे हम लोग। आज हम बात करेंगे कि उन एसिड और बेस को पहचाना कैसे जाता है, मतलब हम कैसे जानेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। तो बच्चों, हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे सूचक हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो एसिड में या तो अपना गंध बदल लेंगे, स्मेल अपना चेंज कर लेंगे, या फिर अपना कलर बदल लेंगे, मतलब पहले कुछ और कलर था, बाद में कुछ और कलर हो जाएगा। एसिड डालने पे अलग कलर दिखाएंगे, बेस डालने पे अलग कलर दिखाएंगे। कोई ऐसे भी होंगे जो एसिड डालने पे कोई कलर नहीं दिखाएंगे, बेस डालने पे कोई दूसरा कलर दिखाने लगेंगे। मतलब अलग अलग तरह के हमारे पास सूचक हैं, इंडिकेटर्स हैं। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो आज इंडिकेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं खूबसूरत सा चैनल या राहुल गुप्ता डीएनए क्लासेस। तो बच्चों, हेडिंग लगा लीजिए इंडिकेटर्स, है ना। इंडिकेटर हिंदी में इसको लोग बोलते हैं सूचक, ठीक है। चलिए, तो बच्चों इंडिकेटर होता क्या है? तो इंडिकेटर वैसे सब्सटेंस है जो अपना कलर चेंज करके या स्मेल चेंज करके वो आपको किसी सब्सटेंस के बारे में बताएंगे कि वो एसिड है कि बेस है। तो इसका अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे इसके बारे में? हम लिख सकते हैं द सब्सटेंस विच चेंजेस, द सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर, या तो अपना कलर चेंज कर सकते हैं, है ना, या फिर अपना स्मेल चेंज कर सकते हैं। विच चेंजेस देयर कलर स्मेल, है ना, स्मेल टू डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। और वो सब्सटेंस रहेगा वो या तो जनरली एसिडिक रहेगा या बेसिक रहेगा, मतलब जनरली या तो एसिड मिलेगा आपको या जनरली बेस मिलेगा, है ना। तो अलग अलग सब्सटेंस में ये आपको ये बता देंगे कि वो कौन, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टीज, कौन एसिडिक होने वाला है और कौन बेसिक होने वाला है। तो बच्चों, हमारे पास जो इंडिकेटर्स होते हैं वो इंडिकेटर जनरली हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की बात कर लें, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, है ना। तो बच्चों, टाइप ऑफ इंडिकेटर जो होता है, इंडिकेटर के जो प्रकार होते हैं सूचक में, जो पहला सबसे होता है बच्चों वो है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर इसको लोग बोलते हैं, मतलब सूचक के प्रकार अगर हम बात करें तो पहला जो हमारा है प्राकृतिक, है ना, जो मतलब नेचर में पाया जाता है, नेचर में कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो पहला हमारे पास प्राकृतिक सूचक। दूसरा है बच्चों जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मानव निर्मित, उसको हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर सही है। चलिए, सिंथेटिक इंडिकेटर इसको हम लोग बोलेंगे कि ये मानव निर्मित है, सही है, ये मानव निर्मित है। इसके अलावा बच्चों जो तीसरा आ जाएगा उसका, वो आ जाएगा आपका ओल्फैक्टरी। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग गंधीय सूचक, है ना, गंधीय सूचक। समझ में आता है ये बात? तो जनरली हम लोग इसके बारे में बात करने वाले, ये गंधीय सूचक, ठीक है। ओल्फैक्टरी मतलब गंधीय सूचक, ये मानव निर्मित सूचक, है ना। यहां पर हर जगह सूचक आएगा, ठीक है। ये हिंदी नेम हो गए इसके, सही है ना। ठीक है, करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए नेचुरल इंडिकेटर्स, है ना। सबसे पहले हेडिंग क्या लगा लीजिएगा? नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, आपको बोर्ड में सारी चीजें, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए बच्चों नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर में हम यहां पे लिखेंगे सब्सटेंस, हम यहां पे सब्सटेंस लिखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एसिड में वो कौन सा कलर शो करेगा ये लिखेंगे हम लोग यहां पे, और यहां पे लिखेंगे कि बेस में कौन सा कलर शो करेगा, ठीक है ना। चार्ट बना देते हैं, बेहतर रहेगा। तो नेचुरल इंडिकेटर में जनरली आपको जो सबसे पहला पढ़ना है, सबसे पहला जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, है ना, अगर हम देखें तो सबसे पहला जो आपको पढ़ना है बच्चों वो है लिटमस पेपर। आपको ही पता है लिटमस पेपर,
लिटमस पेपर के बारे में पहले भी हम लोग जान चुके हैं बच्चों। लिटमस पेपर लीचेन नाम के पौधे से निकाला जाता है ना। और ये जो लीचा लिटमस पेपर होता है जनरली, अगर इसका लिटमस सॉल्यूशन अगर देखोगे तो पर्पल होता है, ऐसे अगर लिटमस पेपर देखोगे आप तो वो जनरली या तो आपको ब्लू वाला मिलेगा या रेड वाला मिलेगा, है ना। तो लिटमस पेपर की खासियत क्या है कि अगर आप लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप एसिड में डालते हो तो रेड हो जाएगा, है ना। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हो तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, है ना। लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाएगा। और वही बच्चों अगर आप रेड लिटमस पेपर को बेस में डाल दो तो वापस ब्लू हो जाएगा, है ना। इसके बारे में लोग पहले ही बात कर चुके हैं, लिटमस पेपर है ना एसिड में रेड हो जाता है और वही लिटमस पेपर बेस में क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। लिटमस पेपर के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं इसलिए बहुत ज्यादा इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं आज, ठीक है। सेकंड बच्चों हम लोग जो बात करेंगे, सेकंड है हमारा वह टर्मेरिक हल्दी, ये भी नेचुरल सूचक में ही आता है। हल्दी जान रहे हो आप लोग, चलिए। तो हल्दी सब लोग देख रहे हैं उनका कलर कैसा होता है, येलो। तो बच्चों अगर हम एसिड की बात कर लें तो एसिड में उसको लिखते हैं नो चेंज, मतलब कोई कलर चेंज नहीं होता है, मतलब येलो का येलो ही रहेगा। नो चेंज का मतलब आपको येलो दिखेगा। हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो, है ना। ये कैसा होता है, येलो होता है, तो मतलब वो आपको येलो का येलो ही दिखेगा, नो चेंज। एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करेगा, है ना। और अगर हम बात कर ले बच्चों बेस में, अगर हम बेस में बात कर ले तो बेस को बच्चों को रेड कर देगा, मतलब हल्दी में अगर आप थोड़ा सा बेस डालो तो रेड कलर आ जाएगा, आपको यहाँ पर रेड कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके लिए ट्रिक भी है, अगर आप हल्दी के लिए ट्रिक देखो तो हल्दी के लिए, है ना, हल्दी के लिए ट्रिक क्या आप लिखोगे, इसके लिए अगर आप ट्रिक लिखना चाहो तो ट्रिक ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, है ना, अनवर, है ना, अनवर हल्दी घाटी में है। हल्दी घाटी का मैदान जहां लड़ाई हुआ था, याद है, अनवर हल्दी घाटी में है का कोई मतलब नहीं है, ये सेंस ऐसे ही है बस। अनवर मतलब क्या है, A N A N B R, है ना, A N B R। अनवर को हम कैसे लिख रहे हैं, अनवर, A N B R। अनवर कहां है, हल्दी घाटी में, हल्दी समझ रहे हो, हल्दी मतलब टर्मेरिक, है ना, हल्दी मतलब टर्मेरिक। तो टर्मेरिक में क्या होता है, देखो, ए का मतलब है एसिड, ए का मतलब क्या है, एसिड, एन का मतलब है नो चेंज, तो एसिड में कोई चेंज नहीं होता है, जैसे रहेगा वैसे ही हो जाएगा। बी का मतलब है यहां पे बच्चों बेस, और बेस आर का मतलब हो जाता है यहां पे रेड कर देगा, दिखता है ये बात। अनबर कहां है, हल्दी घाटी में है, अनबर कहां है, हल्दी घाटी में है, समझ में आता है आपको ये बात, अनबर कहां है, हल्दी घाटी में है, है ना। तो बच्चों ए से एसिड, नो, एन से नो चेंज, बी से आपका बेस, और आर से आपका हो गया रेड, है ना। मतलब अनबर जो है वो हल्दी घाटी में है, और मतलब ये ट्रिक हो गया याद करने का अगर देखा जाए तो। टर्मेरिक क्या होता है, टर्मेरिक हल्दी का पाउडर, अगर आप हल्दी पर या हल्दी का पाउडर आप जो ले लो उस पर अगर आप एसिड डालते हो तो कलर में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा उसका येलो कलर था वही येलो कलर आपको यहां मिलेगा देखने को, और अगर आप बेस पे डाल देते हो तो रेड कलर का हो जाएगा, येलो से कहां हो जाएगा, रेड हो जाएगा, येलो से कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, ठीक है ना, समझ में आती है आपको ये बात। और तीसरा बच्चों है आपका चाइना रोज, थर्ड जो आपका है यहाँ पे वो है चाइना रोज बोलते हैं उरहूर के फूल को। उरहूर के फूल देखे हो आप लोग, है ना, आगे कैसे डायना टाइप का नहीं, मतलब वो इसकी पंखुड़ी एक आगे निकली रहती है ऐसे, है ना, रेड कलर का जनरली, मतलब गाढ़ा रेड होता है ना, डार्क रेड बोल सकते हो आप लोग, तो वो कलर आपको पहले से पता है। तो अगर हम चाइना रोज की बात कर ले, है ना, ये ट्रिक था, किसका ट्रिक था, ये ट्रिक था हल्दी के लिए, है ना, ये ट्रिक था किसके लिए, हल्दी के लिए, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट ट्रिक है। चलिए अगर हम बात कर ले उरहूर का फूल जो होता है, उरहूर का फूल, है ना, ठीक है। तो बच्चों अगर हम बात कर ले चाइना रोज के बारे में, तो चाइना रोज क्या करता है, ठीक है ना बच्चों, चाइना रोज देखा जाए तो एसिड, जैसे आप एसिड डालोगे उसका जो पत्ता होता है वो पिंक कलर का हो जाएगा, या फिर सॉल्यूशन बना लो उस पत्ते का आप अच्छे से तो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जनरली डार्क पिंक होता है, तो आप यहां लिख सकते हो कि डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, है ना। इस डार्क पिंक का एक और नाम है यहाँ पे बुक में, डार्क पिंक का एक और नाम लिखता है, इसको बोलता है मैग्नेटा, इस कलर को एक और नाम से जाना जाता है, मैग्नेटा कलर बोला जाता है, ठीक है, डार्क पिंक। और बच्चों जो बेस पे इसको डालोगे तो ग्रीन हो जाएगा। अलग अलग कलर है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। चाइना रोज पर, उड़ू के फूल पर अगर आप एसिड डाल देते हो तो उसका जो पत्ता है वो पिंक कलर का हो जाएगा, है ना, पिंक कलर का हो जाएगा, मैग्नेटा कलर उसको बोलते हैं, डार्क पिंक,
है ना, और अगर आप बेस डाल देते हो तो ग्रीन कलर का हो जाएगा, है ना। कोशिश कीजिए इसको समझने का, आप समझ आता है ये बात। चलिए बहुत बढ़िया, अगर इसके हम ट्रिक की बात कर लें, इसको एक ऐसे याद रखेंगे, है ना, अगर इसको हम ट्रिक की बात कर लें तो बच्चों आप ऐसे याद रख सकते हो, है ना, कैसे याद रख सकते हो, आप बिजी हैं चाइना रोज के साथ, आप बिजी हैं चाइना रोज के साथ, चाइना रोज के साथ, आप बिजी हैं चाइना रोज के साथ, चाइना रोज तो समझ में आ रहा है, चाइना रोज जो समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, तो आप बिजी। अच्छा, ए का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, ए का मतलब है एसिड, ए का मतलब क्या है एसिड, है ना। पी का मतलब क्या है पिंक, पिंक कलर का हो जाएगा ये, है ना। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है बेस, है ना। और जी का मतलब क्या है, जी का मतलब है ग्रीन। तो आप बीजी कैसे पढ़िएगा इसको, आप बीजी हैं चैनल के साथ, आप बीजी हैं किसके साथ, चैनल के साथ, है ना, आप बीजी हैं चैनल के साथ, सही है, समझ में आ रहा है ये बात, आप बीजी हैं चाइना रोज के साथ, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ग्रीन यहाँ पे आपको जनरली दिख नहीं रहा है, ग्रीन हम ऐसे लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है यहाँ पे ग्रीन। तो ए का मतलब एसिड, पी का मतलब पिंक, बी का मतलब बेस, जी का मतलब ग्रीन। तो आप बीजी हैं चाइना रोज के साथ, तीन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, सही है। चलिए आगे बढ़ा जाए बच्चों, इसके अलावे अगर हम बात कर ले सेकेंड वाला जो होता है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। चलिए तो आगे आते हैं हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर, है ना, सिंथेटिक इंडिकेटर पे आते हैं। चलिए सिंथेटिक सेकेंड है ये हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। बच्चों सिंथेटिक इंडिकेटर में दो है हमारे पास, है ना। पहला तो हमारा है जो है हमको पढ़ना है सिंथेटिक इंडिकेटर में, वो है बच्चों हमारा मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज के लिए डायरेक्ट आपको ट्रिक बताता हूं, मिथाइल ऑरेंज के लिए डायरेक्ट मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ऐसे याद रखिएगा, है ना। मिथाइल ऑरेंज के लिए याद करने का तरीका एक अच्छा है, ये मानव निर्मित है सब, है ना, ये बनाते हैं हम लोग। तो बच्चों मिथाइल ऑरेंज एक सब्सटेंस होता है, ये क्या होता है इसको उसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये जानना है कि एक इंडिकेटर का काम करता है, एसिड बेस के बारे में भी आपको ये जानकारी दे देगा। तो बच्चों ट्रिक क्या है यहाँ पे, आप इसको ऐसे याद रखोगे कि बॉय रोआ, है ना। जनरली होता क्या है ना कि अगर आप जैसे मान लो घर में मेहमान आए हुए हैं, है ना, और वो फल लेके आए, तो बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं घर में उनकी नजर उन फलों पे ही होती है। तो मान लो कि वो फल एक निकाल लेता है, आप उसको एक फल दे देते हो, ठीक है ना, और गलती से कोई दूसरा बच्चा वो फल उससे लूट लिया, है ना, तो वो फिर जिद पकड़ लेता है कि हमको वही फल चाहिए जो वो खाया है, चाहे वो पेट में से निकाल के दो चाहे जैसे दो, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जिद्दी टाइप के, तो एकदम रोने लगते हैं। तो वही यहाँ पे है कि बॉय रोआ, है ना, ऐसे याद रख लो बॉय रोआ, है ना, एक लड़का है जो रो रहा है, तो बॉय रोआ, ठीक है। याद कैसे हो जाएगा, देखो बी का मतलब है यहाँ पे बेस, ओ का मतलब वही ऑरेंज मिथाइल या मिथाइल ऑरेंज जो बोलो आप, है ना, और वाई का मतलब है येलो, वाई का मतलब क्या है येलो। तो इसका मतलब क्या है कि ऑरेंज मिथाइल को अगर आप बेस में डालोगे या ऑरेंज मिथाइल के ऊपर बेस डालोगे तो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा इसको देख लो आप, आर का मतलब है बच्चों रेड, ओ का मतलब फिर से ऑरेंज मिथाइल, ठीक है, और ए का मतलब एसिड। तो एसिड पर अगर ऑरेंज मिठाइल डालोगे या फिर ऑरेंज मिठाइल पर एसिड डालोगे, जैसे बोलो एसिड के साथ अगर ऑरेंज मिठाइल रखोगे तो रेड कलर मिलेगा। तो याद हो जाएगा ना बॉय रोवा, क्या है बॉय रोवा याद हो जाएगा। बेस पे डालोगे ऑरेंज मिठाइल तो येलो हो जाएगा, रेड पे डालोगे ऑरेंज मिठाइल तो एसिड पे अगर ऑरेंज मिठाइल डालोगे तो रेड हो जाएगा। तो बॉय रोवा याद रखिएगा, और बाकी जो अल्फाबेट कौन सा अल्फाबेट का क्या क्या फुल फॉर्म है, किस तरह से नाम लिखना है, आप एक बार खुद से लिखिएगा, जैसे ही खुद से लिखिएगा अपने आप आपको याद हो जाएगा, दो तीन बार लिखिए अपने आप याद हो जाएगा। और ट्रिक के साथ ही याद कीजिए तभी आपके लिए बेहतर होगा, ट्रिक के साथ याद कीजिएगा तो हमेशा के लिए याद होगा, ऐसे रटोगे तो भूल जाओगे, है ना। तो कोशिश करेंगे ट्रिक के साथ इसको याद करें, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर का पहला। सेकेंड है बच्चों फिनोल्फथैलीन, सेकेंड है सिंथेटिक इंडिकेटर में दूसरा जो हमारा है वो है फिनोल्फथैलीन।
फिनोल्फथैलीन है ना, ये भी हमारा आता है मैथमेट मतलब मानव निर्मित है ये भी। तो बच्चों फिनोल्फथैलीन के लिए जो आपको ट्रिक मैं बता रहा हूं आप ये याद रख लो, बीपी है ना, किसी का जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हम क्या बोलते हैं बीपी चेक करवा लीजिए अपना, है ना, कि लो हो गया है हाई हो गया है, तब यहां से ऐसे याद रख लीजिए कि बीपी है ना। बी से क्या हो जाता है कि बेस को बच्चों जनरली ये बेस को ये कन्वर्ट कर देता है पिंक में, बेस के ऊपर अगर आप फिनोल्फथैलीन डाल दिए है ना, या फिनोल्फथैलीन में बेस डाल दिए आप ऐसे बोलो, तो भी वो उसका जो कलर हो जाएगा वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में नो चेंज है ना, एसिड में आपको क्या याद रखना है डायरेक्टली नो चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होता है, जैसे रहेगा फिनोल्फथैलीन वैसे ही मिल जाएगा आपको, तो एसिड में नो चेंज। बेस को किस में कन्वर्ट कर देता है, पिंक में कन्वर्ट कर देता है। तो ये ट्रिक याद रखिए, ट्रिक ही काम का है ना, यही आपको याद करना है, देखा जाए तो जनरली आपको ट्रिक याद होना चाहिए तभी आप समझ पाओगे इन चीजों को, समझ आता है। चलिए तो ये मतलब था सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप मतलब था हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। थर्ड में आता है बच्चों हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है ना, वैसे इंडिकेटर जो गंध के द्वारा आपको ये बताएंगे है ना, गंध के द्वारा, गंधीय सूचक बोलते हैं हम लोग। तीसरा जो हमारा है वह हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या बोलते हैं इसको हम लोग, गंधीय, गंधीय सूचक, ठीक है। तो जो सबसे इसमें पहला जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है वैनिला एसेंस, वैनिला है ना, डबल एल होगा, वैनिला एसेंस, वैनिला एसेंस है ना, वैनिला एसेंस। जो वैनिला एसेंस, वैनिला जनरली एक पौधे का नाम होता है ना, वैनिला एक पौधे का नाम है, जनरली ये मेक्सिको में पाया जाता है, काफी सुंदर पौधा है ये है ना, कहां पाया जाता है ये बच्चों, ये प्लांट है वैनिला जो है, वैनिला जो है वो एक प्लांट है, पौधा है जो कहां पाया जाता है, मेक्सिको में पाया जाता है ना, काफी इसकी जो स्मेल होती है वो काफी सुहावना स्मेल होता है, प्लीजर, प्लेजर स्मेल है ना, सुगंधित स्मेल होता है, मतलब स्मेल इसका काफी अच्छा है, जनरली इसको हम लोग आइसक्रीम में यूज करते हैं है ना, इन मेकिंग आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम में हम लोग जनरली वैनिला आइसक्रीम आपको मिलेगा है ना, तो आइसक्रीम में जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो वैनिला का पौधा है ये इंडिकेटर की तरह भी यूज होता है ना, ये इंडिकेटर की तरह भी यूज होता है बच्चों। अगर आप वैनिला में, अगर आपका जो वैनिला एसेंस है, वैनिला एसेंस बॉटल में भी आता है आपका है ना, पैक होके बाद में, तो बच्चों वैनिला एसेंस पर, वैनिला एसेंस पर अगर हम बात कर लें, तो वैनिला एसेंस की अगर हम बात कर लें तो स्मेल से अपना बताएगा। अगर आप एसिड में इसको डाल दोगे तो स्मेल इंक्रीज कर जाएगा है ना, एसिड में जैसे ही डालोगे स्मेल इंक्रीज कर जाएगा है ना, वैनिला जितना पहले महक रहा था ना इसका सुगंध और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एसिड में जैसे ही आप वैनिला को डालोगे आपका जो स्मेल है वो स्मेल आपका इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका मतलब इंक्रीज कर जाना। और बेस में बच्चों स्मेल खत्म हो जाता है, बेस में जो आपका स्मेल है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, बेस में लगभग नो स्मेल लिख सकते हो आप, तो बेस के केस में नो स्मेल, नो स्मेल है ना। तो ये एक कहानी है एसिड और बेस के लिए कि जैसे आप वैनिला को, उस सुगंधित पदार्थ को जैसे आप एसिड में डालोगे उसका जो महक है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और बेस के ऊपर डालोगे तो आपका उसका महक एकदम खत्म हो जाएगा है ना। एक बड़ा ही सुगंधित पौधा है, मेक्सिको में जनरली पाया जाता है, हम लोग आइसक्रीम बनाने में इसका ज्यादा यूज करते हैं, ऐसा नहीं केवल आइसक्रीम यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे सुगंधित पदार्थ है जहां पे वैनिला डाला जाता है, ठीक है। चलिए तो ये है बच्चों पहला हमारा वैनिला एसेंस। दूसरा है हमारा सेकेंड जो है बच्चों वो हमारा क्लोवेल, क्लोवेल समझते हो सेकेंड, इसमें जो सेकेंड हमको पढ़ना है वो पढ़ना है क्लोव ऑयल। क्लोवेल होता है लौंग का तेल, लौंग जानते हो ना सब लोग है ना, एक ऐसे होता है पंखुड़ी ऐसे बना होता है, यहाँ पे ऐसे दिखे ना, वो जानते हो ये खाए हुए बहुत हल्का तीता लगता है ना। तो बच्चों लौंग का तेल क्या बोलते हैं इसको, बोलो वैनिला लौंग का तेल है ना, एक तो था वैनिला एसेंस और दूसरा है हमारा, दूसरा हमारा क्लोवेल। बच्चों क्लोवेल में भी कहानी यही है ना, बिल्कुल कहानी यही है क्लोवेल में भी, क्लोवेल जनरली बाजारों में भी मिल जाएगा आपको, कोई भी आयुर्वेदिक दुकान में ज्यादा मिलता है ये है ना। तो जनरली ये दांत दर्द में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है क्लोवेल, ठीक है। तो बच्चों होता क्या है कि अगर आप जनरली इसके ऊपर एसिड डाल देते हो, अगर आप एसिड में डाल देते हो फिर से एसिड में, इसका जो स्मेल है, इसका जो स्मेल है वो फिर से इंक्रीज कर जाएगा, स्मेल बढ़ जाएगा।
जैसे महक रहा था क्लोबेल, उसकी महक और ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। और वही अगर आप बेस में डालते हो तो इसका महक कम हो जाएगा, जितना महक रहा था उससे भी अब कम महकेगा। तो हम महक से भी, सुगंध से भी, या फिर आप बोल सकते हो कि उसकी जो स्मेल है, गंध है, उससे भी हम पहचान सकते हैं कि कौन हमारा एसिड है, कौन हमारा बेस है। उसके लिए दो सूचक है हमारे पास, एक है वेनिला एसेंस, है ना, और दूसरा है हमारे पास बच्चों, दूसरा है हमारे पास क्लोबेल, लौंग का तेल, है ना। तो ये आपको स्मेल के द्वारा इंडिकेट करेंगे कि कौन एसिड है और कौन बेस है। दोनों का काम सेम है, जैसे एसिड डालोगे महक बढ़ जाएगा, बेस डालोगे तो महक या तो खत्म हो जाएगा या महक कम हो जाएगा, है ना। तो दोनों के लिए याद करने का तरीका आसान हो गया, एसिड में महक बढ़ जाता है और बेस में महक कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, जैसे आप याद कर लो, है ना। तो ये बच्चों इंडिकेटर थे, आपको आने चाहिए इतने इंडिकेटर कम से कम, और याद करने का जो मैं ट्रिक बताया हूं वो भी आप याद कर लेना जरूर, वैसे ही याद करना तो बेहतर होगा आपके लिए। तो पढ़ाई करते रहिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।